स्टार्ट करते हैं विषाणु की संरचना। विषाणु देखो सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। विषाणु के अमाप की मैं बात करूं तो उनका नॉर्मल जो अमाप है 10 से 200 nm, अगर सबसे बड़े विषाणु की बात करूं तो 300 μm। पादप विषाणु जो होते हैं जंतु विषाणु के कंपेयर छोटे होते हैं। आकार कुंडलित विषाणु एग्जाम्पल मम्स, घनाभ हर्पिस विषाणु, और जटिल आकृति का अगर विषाणु आपको देखना है तो इन्फ्लुएंजा। रासायनिक संगठन अगर हम विषाणु का देखें तो आनुवंशिक पदार्थ जो होता है केवल एक होता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। प्रोटीन आवरण उपस्थित होता है। न्यूक्लियोटाइड युगल की संख्या जो होती है 1,000 से 2,50,000 तक इसके अंदर हो सकती है, और ये न्यूक्लियोटाइडों की संख्या ही इसका एक विशिष्ट लक्षण है विषाणु का, यानी कि एक प्रकार के विषाणु में इनकी संख्या निश्चित होती है। विषाणु वर्गीकरण LHT ने दिया, LHT एंड्रेलॉफ हॉर्नी एंड टॉर्नियर, इन्होंने दो भागों में बांटा इसको। डीऑक्सी वायरा मतलब वो विषाणु जिनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, एंड राइबोवायरा जिनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए।